everyone. Hope you all and your family is doing well. In few minutes, we'll be in this live session. Yes. So today's live session is on awareness about cervical cancer, and to discuss about cervical cancer, I'll invite Kritika Katrak, who is co-founder of Ovomania.com, and since many years they are talking about women's health and issue related to that. So let me invite Kritika Katrak, and we'll be continuing the session with her. Why I planned this live session, because I was reading one article, and then I found that the cervical cancer is the cause of second cancerous death in India amongst women, and statistics says 5% of women know about what is cervical cancer is. So when I read this, Pratika was the first person who came into my mind for this live session. Yeah, Kritika, are we doing from your account or from Ovomania account? Yeah, hi. Hi. Yes, both are visible. Welcome. So hello, Pumpy. Good afternoon to everybody. Good afternoon, Kritika. So I was just telling people that 85% of women don't know about the cervical cancer. Only 10% mm-hmm. has few knowledge about what is cervical cancer, and only 5% of women knows what exactly cervical cancer is. So when I read the statistic, you were the first person who came into my mind, and I just feel you that, Kritika, let's do this live session, and I want to raise awareness about cervical cancer. So Kritika, before we jump to this टॉपिक सर्वाइकल कैंसर, मतलब जैसे हमारा बात हुआ था कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही नहीं पता होता, तो फिर ऐसे सारे चेक. यस जी, आई थिंक आई लॉस्ट यू देयर फॉर अ मोमेंट. हाँ, सो एग्जैक्टली हमारी जो ये लाइव सेशन करने का जो डिस्कशन जहां से शुरू हुआ वो यहां से था कि काफी औरतों को अपनी एनाटॉमी या फीमेल्स की बॉडी अंदर से क्या है, कैसी वर्क करती है, वही पता नहीं होता, क्योंकि हम इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते. जो स्कूल में हमारी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में जनरली पढ़ाया जाता था, वो भी काफी स्कूलों में वो चैप्टर्स को स्किप किया जाता है. जी, सो उसकी वजह से देर इज डेफिनेटली सम यू नो गैप इन अंडरस्टैंडिंग, देर इज अ गैप इन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस. सो आई थिंक मैं उसी से शुरुआत करूंगी. तो आज जैसे हम सर्विकल कैंसर की बात कर रहे हैं, पहले हम ये समझते हैं कि सर्विक्स होता क्या है. yes, many, और हमारे शरीर don't know के यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, व्हाट इज वजाइना, इन सब के बीच में सबको लगता है कि एक ही चीज है सब कुछ.
सो इसके जी बारे में अवेयरनेस थोड़ा जरूरी है, वी नीड टू नो अबाउट एग्जैक्ट दिस. राइट. सो पहले इसके बारे में जो बेसिक्स की क्या कहते हैं, जो भी सवाल है आपके दिमाग में, जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो मेरे पास ना ये अच्छा सा चार्ट है और आई थिंक ये चार्ट आप सबको अच्छी तरह से ये दिखेगा. राइट. सो जितनी भी औरतें हैं ना, पहले अपने आप को यहाँ टच करें. सी, यहाँ पे ना हमारी हड्डी होती है. टुवर्ड्स योर लोअर एब्डोमेन वी हैव दैट बोनी स्ट्रक्चर हियर. सब वहां पे अपने आप को टच करें और अपने आप को ये यहाँ पे इसको प्लेस करें. सो ऑब्वियसली ये A3 पेपर का साइज है, सो ये बहुत बड़ा है, बट हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारी साइज के हिसाब से अंदर हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार दिखता है. ठीक है, तो इसका जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. ये आपने अपनी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, ये आपने बहुत जगह पे गायनेक के रूम में देखा होगा, बट अब क्या है इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं. तो इसको हम पहले कहते हैं ओवरीज, जहां पे हमारे एग्स बनते हैं और जहां से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है. इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, या हिंदी में अंडाशय की नली. अंडाशय, ये ओवरी को यहां से यूट्रस तक कैरी करने के लिए फेलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा फंक्शन होता है. फिर आप इसको, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो यू शेप पोर्शन आप देख रहे हैं, उसको कहते हैं यूट्रस. यूट्रस और गर्भाशय, जिसको हिंदी में या गुजराती में गर्भाशय कहा जाता है. तो ये हमारी जितनी मुट्ठी है, जैसे ये मेरी मुट्ठी इतनी है, आपकी मुट्ठी आपके बॉडी के साइज के हिसाब से होगी. राइट. सो हमारी ये जितनी मुट्ठी है उतना ही छोटा होता है हमारा यूट्रस. तो आप सोचोगे कि इतनी सी छोटी सी मुट्ठी में हम 2-3 किलो के बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, कैसे एक माँ सपोर्ट करती है. तो उसका लॉजिक ये है कि जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही एक स्पर्म और एग मिलके वहां पे एक बेबी की ग्रोथ जहां पे शुरू होती है 0 वीक या वीक 1 से, धीरे धीरे ये यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कैपेसिटी है 10 टाइम्स तक स्ट्रेच होने की. सो बेसिकली योर यूट्रस और योर गर्भाशय इज अ मसल जो इस तरह से स्ट्रेच होता है आपके बेबी के साइज को अकोमोडेट करने के लिए. जब आप प्रेग्नेंट नहीं है तो वो अपनी नॉर्मल साइज में ही है. राइट. अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सर्विक्स, जिसके ऊपर आज हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं. सो दिस एरिया, आई थिंक आप मेरा ब्लैक कलर का पेन देख रहे हैं, ये जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जिसे गर्भाशय का मुख हिंदी या गुजराती में बोला जाता है. ये है आपका वजाइना, ये जो आप डार्क रेड कलर का एक चैनल या एक सिलिंड्रिकल बॉडी जो आप देख रहे हैं, उसे बोलते हैं वजाइना या योनी. दिस इज द प्लेस जहां पे आप सेक्स करते वक्त पीनस इंसर्ट होती है. राइट. सो ये होगा आपके शरीर में कुछ 3 से 7 इंच जितना लंबा होता है आपका वजाइना, और ये है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो आपके यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है. ओके. सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. यहाँ पे अगर कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या एबनॉर्मल ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन होती है, उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं. तो जैसे आप आपने देखा कि सर्विकल कैंसर या एनी टाइप ऑफ कैंसर टू बिगिन विथ इज अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. मैं आगे उसे धीरे धीरे समझाती जाऊंगी, बट अगर इसमें अगर आपको लगता है कोई ऐसा सवाल आप मुझे पूछना चाहती हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क. ट्रू कृतिका, अभी मतलब दिस इज द यू नो इस ऐसे इसकी वजह से नाउ इट इज क्लियर कि क्या होता है सर्वाइकल जो कैंसर है वो कहाँ पे इसका ग्रोथ होता है. और अभी आप यू जस्ट एक्सप्लेन अस कि क्या है बेसिकली सर्वाइकल कैंसर है क्या. राइट. सो अभी हमने सर्विक्स क्या है वो समझा. सर्विकल कैंसर है सर्विक्स का कैंसर. जैसे हमने देखा, आपने सुना होगा उनको ब्लड कैंसर हो गया, उनको ब्रेन का कैंसर हो गया, उनको स्टमक का कैंसर हो गया. तो अगर हम सर्विकल कैंसर बोल रहे हैं, मतलब वो सर्विक्स इज द ओरिजिन पॉइंट, सर्विक्स के सेल से वो शुरू हो रहा है.
Now, cancer in any which case in body means uncontrolled, unregulated multiplication of cells. तो हमारी जो बॉडी है, आप देखते होंगे आपके बाल झड़ते हैं हर थोड़े दिन में, या आपके जो नाखून है वो बढ़ रहे हैं, वो आप काटो तो भी बढ़ रहे हैं. ऐसी बहुत सारी आपने ग्रोथ देखी होगी. आपकी स्किन है तो आपकी स्किन आज अच्छी है, थोड़ी दिन बाद ड्राई हो रही है. सो ना, मतलब अनोइंगली हमारी बॉडी में काफी सारी एक्टिविटीज प्रोसेसेस चल रहे हैं. सेल डिविजन इज वन ऑफ दोज प्रोसेस. सो नॉर्मल केसेस में ये जो पूरा प्रोसेस है वो अपने हिसाब से अच्छी तरह से चल रहा होता है. लेकिन जब ये प्रोसेस का जो रेगुलेशन नहीं हो रहा है और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सेल्स का, जो ना जो नॉर्मल नहीं है, उसको हम बेसिकली सबसे इजी शब्दों में वही कैंसर होता है. तो अगर मैं सर्विकल कैंसर कहूँ तो सर्विक्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कैंसर. और कैंसर भी दो प्रकार के होते हैं. एक होता है जो लोकलाइज्ड कैंसर होता है, जिसे हम बेनाइन कैंसर या बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर, जो सबसे खतरनाक फॉर्म का कैंसर होता है, क्योंकि वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है. पहले है वो लोकलाइज्ड है, सपोज मुझे यहां लगी है तो यहीं पे मुझे लगी है, यहाँ पे अगर मैं इसको मलम पट्टी करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी. बट अगर यहाँ का इन्फेक्शन अगर मेरे ब्लड तक पहुंच जाता है, तो ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है, इट इज सर्कुलेटिंग फ्रॉम हेड टू टो, सो देन दैट इज द स्टेज विच इज डेंजरस. सो इसको जब हम, आपने सुना होगा कि इनको तो थर्ड स्टेज कैंसर हो गया, इनको फोर्थ स्टेज हो गया, अरे नहीं अभी तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज में है तो सर्वाइव कर लेंगे, आपने बहुत सारी ये चीजें सुनी सुनी लगती होंगी. तो ये स्टेजेस जो है, वो कैंसर का स्टेज किस लेवल तक आपकी बॉडी में कैंसर फैल चुका है या ग्रो हो चुका है, ये स्टेज उस चीज को डिफाइन करता है. सो जैसे 1, 2, 3, 4, फोर्थ फेज इज द मोस्ट डेंजरस और मोस्ट फेटल फेज, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल बिकम्स मोर डिफिकल्ट, आपको ज्यादा स्ट्रोंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. और फर्स्ट फेज उसका एकदम ऑपोजिट है. फर्स्ट फेज मतलब अभी कैंसर की ग्रोथ की शुरुआत हुई, तो बिकॉज शुरुआत हुई है, आप अगर सही टाइम पे स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको वो इजीली, आपने वो रूट कॉज पहले ढूंढ लिया है और उसको आप बेसिक लेवल पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इससे पहले, जैसे हम कहते हैं प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए उससे पहले आप संभाल लो, ये सेम लॉजिक है कि जैसे कैंसर अर्लियर स्टेजेस पे होता है, अगर आपको पता चल जाता है कि अगर आपके वो सिम्टम्स आप समझ लेते हो और डॉक्टर से तुरंत मदद लेते हो, दैट विल हेल्प यू इन दैट गिव्स अ बेटर रेट ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ डेथ आर लो, एंड ऑब्वियसली द सफरिंग ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो फेयरली लेसर. सुकृतिका, आपने जैसे बताया कि हर चीज, अगर आपकी बॉडी में कुछ होता है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ना, हमारे हम जी सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बुखार आते हैं तो उसके सिम्टम्स होते हैं, या जैसे कि अभी कोविड है तो कोविड के सिम्टम्स कुछ होते हैं, तो इस केस में कैसे, किस टाइप का, आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ है कि हम स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, या इसके कुछ सिम्टम्स, राइट कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि स्क्रीनिंग करने राइट के बाद ही पता ऑफकोर्स. चलेगा? सो कोविड ने ना, पता है पंक्ति, हमारा काम इजी कर दिया, क्योंकि बर्ड्स अब हम ज्यादा सुन रहे हैं, बिकॉज नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे नाउ वी नो ध्यान रखना है, अपने बॉडी के चेंजेस पे ध्यान रखना है. सो इन द सेम वे सर्विकल कैंसर, ये खास करके फीमेल्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, हाउ टू कीप अ टैब ऑन योर बॉडी एट ऑल टाइम. सो सर्विकल कैंसर के मैं कुछ 5-6 टॉप लक्षण बता देती हूँ. अब आपको ये समझना है कि उनमें से कोई एक लक्षण है आपको, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. पहली बात, देर इज नो नीड टू पैनिक, यू नीड टू फर्स्ट गो एंड गेट अ चेकअप डन रादर देन अज्यूमिंग किसी ने पूछा है कि कि मेरे को ये हो ही गया है. किसी ने पूछा कैन वी वॉश वेल वॉश अवर है ड्यूरिंग पीरियड्स, यस वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट टू डू ऑन अवर पीरियड्स, ऑफ कोर्स वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट टू डू, सो दैट इज एंड नथिंग मोर साइंटिफिक. इम्पोर्टेंट इज प्लीज डू हैव अ बाथ ड्यूरिंग पीरियड्स. यस यू कैन डेफिनेटली वॉश योर हेयर. ओके, कमिंग बैक टू द सिम्टम्स पार्ट. या सो सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम सर्विकल कैंसर का ये है कि आपको कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग दिखती है,
बिटवीन पीरियड्स और बिफोर पीरियड्स, या आपके पीरियड्स नहीं चल रहे फिर भी आपको हल्की सी बूंदे आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है. सो एनी सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग व्हेन यू आर नॉट ऑन पीरियड्स इज शुड यू नो इट्स अ गुड रेड फ्लैग और इट शुड अलर्ट यू इमीडिएटली. दूसरा लक्षण ये है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो सेक्स करते वक्त आपको ब्लीडिंग हो रही है, या सेक्स करते वक्त इमीडिएटली बाद में भी ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स. थर्ड इज पेल्विक पेन. पेल्विक पेन मतलब आपको लोअर एब्डोमेन और ये जो जहां पे हमारा, जैसे मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया कि कहाँ पे पोजिशन है, तो अगर आपको पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमेन या लोअर बैक या आपके बट के वहां कंटिन्यूअस पेन रह रहा है फॉर नो रीजन एट ऑल, आपने कुछ एक्सर्शन नहीं किया, आपने कुछ हैवी उठाया नहीं उठाया, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको पेन नीचे लगातार रह रहा है, तो दैट इज समथिंग वो आपको करना चाहिए. फोर्थ इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम और ब्लैडर और एनस. एनस इज जहां से हम पॉटी करने या स्टूल पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनस, दैट्स द फोर्थ पार्ट. फिफ्थ इज कि अनयूजुअल वेट लॉस आप देख रहे हो, अचानक से यू हैव ऑब्जर्व दैट ड्रास्टिकली बिना किसी रीजन के. इफ यू आर डायबिटिक ऑफ कोर्स यू नीड टू यू नो कीप अ टैब ऑन योर डायबिटीज, बट अगर आप अदरवाइज फिट हैं और अचानक से आप वेट लॉस या हेयर लॉस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर बॉडी, देन दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल. सो ये जो चार पांच चीजें हैं वेट लॉस एंड हेयर लॉस अलोंग विद दिस सिम्टम्स, राइट? अलॉन्ग विद दिस एग्जैक्टली, इनमें इसको आप आइसोलेशन में समझ के डर मत जाइए, हर रोज सबके हेयर लॉस सबको होता है एंड इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं तो काटने चाहिए, उसे से योर हेयर इज ऑल्सो मेड ऑफ सेल्स, सो देर इज ऑल्सो अ ग्रोथ साइकिल विथ योर हेयर. सो इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सपोज टू फॉल एंड अ न्यू हेयर रिप्लेसेस इट. सो ये जो मैं आपको सिम्टम्स, जो चार पांच टॉप सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो कॉम्बिनेशन में है, तो वो सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स हैं. बट एनी विच केस अगर, और हाँ दूसरा एक था वजाइनल डिस्चार्ज. अब जैसे वजाइनल डिस्चार्ज इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, कोई भी जैसे वजाइना या योनि मार्ग जिसको बोलते हैं, वहां से अगर आपको किसी भी प्रकार का दुर्गंध वाला या अलग कलर वाला डिस्चार्ज निकलता है, स्मेली डिस्चार्ज और येलो और ग्रीन और रेडिश डिस्चार्ज निकलता है, सो दैट इज डेफिनेटली नॉट नॉर्मल एंड यू इधर यू हैव वजाइनल इन्फेक्शन और यू हैव सम अदर इश्यूज लाइक यूटीआई और इट्स सिम्टम ऑफ सम अदर डिजीज. सो नॉन स्मेली, जिस डिस्चार्ज में स्मेल नहीं है और वो व्हाइट कलर का है, वो नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज. नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज इज साइन ऑफ ओव्यूलेशन. एवरी फीमेल इंक्लूडिंग मी, वी ऑल गेट व्हाइट वजाइनल डिस्चार्ज विच इज सपोज टू बी नॉन स्मेली एंड प्लेन व्हाइट और क्रीमिश कलर, कर्ड लाइक जैसा वो कर्ड होता है, दही जैसा वो होता है डिस्चार्ज, और वो जी और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच ओव्यूलेशन फेज का एक इंडिकेटर है. तो हाँ, तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर उसमें से आपको दुर्गंध आने लग रही है या फिर उसका कलर चेंज हो गया, तो ये डेफिनेटली या तो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का सिम्टम है, या फिर दूसरी भी और कोई सीवियर हेल्थ इश्यू हो सकती है. सो दैट हैज टू बी इमीडिएटली कंसल्टेड टू द डॉक्टर. सो ये पांच सिम्टम्स हैं, मैं एक एक लाइन में रिपीट कर देती हूँ. एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जो पीरियड के अलावा आपको हो रही है, पीरियड्स के बीच में या पीरियड्स वाली नहीं पर पीरियड्स के अलावा कभी भी हल्की सी भी ब्लीडिंग होना वो इरेगुलर है, कॉन्स्टेंटली पेल्विक पेन रहना या लेग पेन रहना, अनयूजुअल वेट लॉस होना, ये जो है पांच टॉप सिम्टम्स हैं. ये अगर कलेक्टिवली इसमें से दो तीन सिम्टम्स भी अगर आपको अपने में नजर आते हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से बिना किसी डिले के आप डॉक्टर से अपने आप को फिजिकली एग्जामिन करवाएं और उनके साथ ये सारे लक्षण अपने सिम्टम्स शेयर करें. तो कृतिका, इसमें ये आपने जैसे बात किया कि ये अगर जिनको अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको इमिडिएटली एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए, तो उसमें क्या जी स्टेजेस है, एग्जामिनेशन के क्या स्टेजेस है?
राइट एग्जामिनेशन जो सबसे फर्स्ट, जैसे आप अगर आपके गायने के पास गए हो, आपने ये सारे सिम्टम्स बताए हैं, सबसे पहले वो आपको आपका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछेंगे, सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं कि यू नो हाउ ऑफन यू आर सेक्सुअली एक्टिव, आपके पीरियड्स कितने रेगुलर है, इरेगुलर है, दूसरे कोई वजाइनल ड्राइनेस या ऐसा कोई इश्यू है या नहीं. और जो स्क्रीनिंग मेथड या टेस्टिंग मेथड जो सबसे कॉमन है वो है पैप स्मियर टेस्ट. दैट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ स्क्रीनिंग व्हेन इट कम्स टू सर्विकल कैंसर. पैप इज PAP, पैप स्मियर. सो पैप स्मियर टेस्ट में डॉक्टर जनरली क्या करेंगे कि आपके वजाइना या सर्विक्स का एक स्वॉब लेंगे, जैसे हम यहाँ पे नेजल स्वॉब लेते हैं कोविड के टेस्टिंग के लिए, राइट. उसी तरह वो आपके सर्विक्स से स्वॉब लेंगे और वो स्वॉब टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरी में भेजा जाएगा. और उसमें वो क्या करते हैं कि वो लोग सेल्स स्टडी करते हैं. तो लैब में जाके वो सेल्स स्टडी होते हैं कि ये नॉर्मल है या इसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ का इंडिकेशन है या नहीं. सो दिस इज पैप स्मियर इज द फर्स्ट टेस्ट. अगर पैप स्मियर में कुछ अलग एबनॉर्मल दिख रहा है आपके सेल ग्रोथ में, तो आगे जाके बायोप्सी या कॉल्पोस्कॉपी, कॉल्पोस्कॉपी में भी अगर कैंसर की इंडिकेशन है तो आगे जाके बायोप्सी भी करवाते हैं. बायोप्सी से इट्स जनरली अ हाफ डे और अ वन डे प्रोसीजर, जहाँ पे एक सेल का, आपके टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेकर वो एनालाइज करते हैं कि चलो एबनॉर्मलिटी तो है ही, पर अब ये कितने, कौन से स्टेज पे है. सब यू रिमेम्बर लाइक द फर्स्ट पार्ट दैट वी डिस्कस, दैट्स अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस इन विच यू हैव दिस प्रॉब्लम. सो वहां से वो डिटरमाइन करते हैं कि ये कितने तक फैला हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि इसको आगे लाइक हाउ वी हैव टू ट्रीट दिस नाउ. सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर. पैप्समियर में कुछ प्रॉब्लम या एबनॉर्मल दिखता है तो देन देर इज कॉल्पोस्कॉपी एंड देन देर इज बायोप्सी. बट इन सीटी स्कैन या एमआरआई भी, नॉट एमआरआई बट सीटी स्कैन इज ऑल्सो डन एट मेनी केसेस टू यू नो अंडरस्टैंड वॉट इज द लेवल ऑफ प्रोग्रेशन, कितना स्प्रेड है इसका. सो यस दिस इज हाउ. बट आई थिंक ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है, बट आप जब डॉक्टर के पास जाए तो उन्हें अपना काम करने दें. एंड वी हैव वेरी वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डॉक्टर्स हु अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट. इसीलिए वो सारी हिस्ट्री समझ के फिर आपको टेस्ट रेकमेंड करेंगे, डायरेक्टली रेकमेंड. अगर उनको नहीं लगता है कि आपको ये इश्यू है लेकिन आपको सिर्फ वजाइनल इन्फेक्शन है या सिर्फ यूटीआई है, यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो शायद वो आपको डायरेक्टली पैप स्मियर के लिए एडवाइस नहीं करेंगे. सो अगेन लेट योर डॉक्टर डिसाइड, बट वट एवर द सिम्टम्स आर उनको आप सब ऑनेस्टली और ओपनली उनके साथ शेयर और डिस्कस करें, फिर वो आपको अप्रोप्रिएट एडवाइस देंगे. कृतिका, ये जो हमने सर्वाइकल कैंसर का बात किया, तो जनरली किसको होने का, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट, किसको हो सकता है, एंड कुछ या तो फिर ऐसा है कि किसको नहीं हो सकता, किसको हो सकता है, इसके कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट, सो राइट. प्लीज एक्सप्लेन दैट. सो कॉज सर्विकल कैंसर का जो टॉप मोस्ट कॉज और ओनली कॉज इज HPV इन्फेक्शन. HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बहुत सारे अलग स्ट्रेन्स है. जैसे आजकल हम ये सुन रहे हैं कि COVID-19 का ना म्यूटेंट वेरिएंट अभी आ रहा है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं. इन द सेम वे वायरस या बैक्टीरिया के भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. उसी तरह से HPV के भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं. सो HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो सर्विकल कैंसर का बहुत बड़ा कॉज है, सोलो कॉज आप बोल सकते हो. और HPV कैसे फैलता है? सो HPV इज अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस. सो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, जो औरतें सेक्सुअली एक्टिव हैं, ऑल ऑफ देम इन अ वे आर ससेप्टेबल टू सर्विकल कैंसर. बट अब ये मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया, इसका मतलब हर किसी को होगा? नो, नॉट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. जनरली ये कैसा होता है ना, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपकी बॉडी ने फाइट करा दैट वायरसेस और दैट इन्फेक्शन इज आउट ऑफ योर बॉडी. सो इन मेजोरिटी ऑफ केसेस दिस हैपन्स. You get infected or you may not get infected, and
you know, if you're infected, that virus goes out of your body fights with it. प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपको या तो कैंसर की हिस्ट्री है पहले फैमिली में, या फिर आप आपकी बॉडी से वो इन्फेक्शन गया नहीं है. सो ये है कि इफ यू इफ समबडी हैज गॉट डिटेक्टेड विथ HPV टुडे और विथ सर्विकल कैंसर टुडे, इसेंशियली वो इन्फेक्शन उनको बहुत साल, बहुत महीने, बहुत साल पहले हुआ होगा, जिसका इम्पैक्ट आपको आज दिख. और ये किस किस को हो सकता है? सो पीपल हु आर सेक्सुअली दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, उनको हो सकता है. अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे, यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स बट यू आर नॉट यूजिंग कॉन्डम्स, कॉन्डम इज द ओनली बैरियर बेस्ड प्रोटेक्शन. फीमेल कॉन्डम्स ले लो आप या मेल कॉन्डम्स हैं. क्यों आपको बोला जाता है दैट, अच्छा समबडी इज आस्किंग मी लॉन्ग फॉर्म ऑफ HPV. HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. हाँ, सो कमिंग बैक टू दिस, कि क्यों बोला जाता है कि मैरिड कपल्स को भी ट्राई करना चाहिए दैट इफ यू आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी यूज अ कॉन्डम, इज बिकॉज नॉट जस्ट प्रेगनेंसी बट देर आर एरे ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस दैट कैन हैपन टू एनी ऑफ द पार्टनर्स, राइट? इट कैन गो फ्रॉम द फीमेल पार्टनर टू मेल पार्टनर, मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर, एंड टू फीमेल एंड मेल टू मेल पार्टनर्स ऑल्सो. So those who have multiple, who have had multiple sexual partners throughout their life, या जिनके partners हैं, उनके multiple partners रह चुके. So if they have, you know, caught infection from somewhere, or then you are having sex without a condom, that can be also a reason why you get contracted. So that can be one of the reasons. Generally ये भी माना जाता है कि जिनकी हिस्ट्री है सर्विकल कैंसर की फैमिली में या कैंसर की, बेसिकली दे मे नॉट बी एबल टू यू नो फाइट विद सर्विकल कैंसर इन विद दैट प्रॉपर इम्यूनिटी, सो दे आर मोर ससेप्टेबल कंपेरेटिवली. सो ये सबसे बड़ा और सबसे सिंपल कॉज है जिसकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है फॉर सम रीजन. समबडी हु हैज ईदर एनी अदर इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है जिनको, दे आर मोर ससेप्टेबल बिकॉज दे माइट नॉट बी एबल टू फाइट इट ऑफ, फाइट द वायरस ऑफ नेचुरली. सो दीज आर द मेन कॉजेस. सो अगेन इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ओके ओके रितिका, बट एक जस्ट मुझे एक डाउट है रितिका, कि जब एक जगह हम बात कर रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स, राइट? एंड व्हेन वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि अगर हिस्ट्री है आपकी सर्वाइकल कैंसर की फैमिली में, सो ये मतलब ऐसा भी हेरिडिटरी में भी पास ऑन होता है ये? नहीं, पास ऑन इट्स नॉट हेरिडिटरी. Yes. Cancer in any which form, yes. If it runs in your family, तो आपको एक percentage के chances तो है ही. Okay. So it's not just with cervical cancer, but it is with cancer in general. Okay. So आपने ये देखा होगा breast cancer के case में, there was a very big hoopla जब Angelina Jolie ने एक mastectomy कराई थी. वे बैक इन अर्ली 2000s, और बहुत हल्ला मचा था तब कि इसको तो कैंसर नहीं है, फिर भी इसने मैस्टेक्टमी अपने दोनों ब्रेस्ट्स उन्होंने निकलवा लिए थे, एंड नाउ शी हैज इम्प्लांट्स इन प्लेस ऑफ अ ब्रेस्ट्स. सो बहुत हल्ला हुआ था कि इनको तो कैंसर है भी नहीं, तो फिर उन्होंने ये क्यों किया? बिकॉज एंजेलिनाज मॉम, शी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो एज अ प्रिवेंटिव केयर, वो बहुत ही ड्रास्टिक मेजर है, नॉट एवरीबडी नीड्स टू डू दैट, इट्स अ वेरी ड्रास्टिक मेजर. बट कैंसर इन जनरल मेक्स, इफ इट इज देयर इन योर फैमिली, इट मेक्स यू लिटिल मोर ससेप्टेबल. तो आपको जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, वो सिम्टम्स के प्रति आपको ज्यादा अवेयर रहना है. आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट इफ इट रन, लाइक इन माई फैमिली सर्विकल कैंसर डज रन, माई मॉम हैड सर्विकल कैंसर, so that time I immediately had taken the vaccine. मैं आगे उसके बारे में भी, as we go ahead in the talk, we'll talk about kind of precaution we should take, right? So precautions, तो as I said, it is because it is sexually transmitted infection. Try to use condom when you are having sex if you have had multiple partners, or if your partner has had multiple partners. So try having protected sex as much as possible. Second, ये है कि there is vaccination available for females. Okay.
Somebody is asking me that does this happen only in women? Yes, cervical cancer happens only in women because only women have the cervix. Men do not have a cervix in their body. So cervical cancer naturally sirf females mein dekha jata hai. Coming back to the preventive care, yes, there is a vaccine. Only cancer for which there is a vaccine. इसको 3 doses में लिया जाता है. यू कैन कॉन्टैक्ट योर गायनेक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से कंपनीज फार्मा कंपनीज के वैक्सीन हैं. यू कैन यू नो टॉक टू योर गायनेक एंड मेक अ चॉइस फॉर योर सेल्फ. बट देर इज अ कैच इन दिस. एज ग्रुप का नाम 10 to 45 years की जो फीमेल्स हैं वो ये वैक्सीन ले सकते हैं. बट इसका एक जो क्या कहते हैं एस्ट्रिक्सिक है वो ये कि बिफोर बीइंग सेक्सुअली एक्टिव इफ यू टेक द वैक्सीन यू विल गेट अ बेटर कवरेज एंड अ बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस. सो बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर वो लड़की ले रही है वैक्सीन तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाएगा. Someone is asking, is it happened from PCOD? PCOD से ये हो सकता है? No, no, no. PCOD और सर्विकल कैंसर का कोई डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं है. PCOD इज पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज. वो आपकी ओवरी जो हमने यहाँ पे मैं दिखा भी सकती हूँ, ये ओवरी है ना आपकी. वो ओवरी में ये जिस तरह से एग्स डेवलप होते हैं, कुछ लोगों की ओवरीज में ना सिस्ट जम जाता है, पानी जैसे कहते हैं, दिस हार्मोनल वेस्ट. सो दैट इज वाई एक सिस्ट जम जाता है और उसकी वजह से आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. सो PCOD इज अ हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद कैंसर पर से. ओके, सो हाँ, कमिंग बैक टू HPV वैक्सीन, बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव इफ टेकन बिफोर somebody becomes sexually active. I will not say that before marriage because let's face it, people are getting, even in rural and urban India, people get sexually active. A very large percent of our population becomes sexually active before their marriage. So we should use the term sexually active rather than before marriage. So, तब आप अगर HPV की वैक्सीन लेते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. 10 years से 45 years की एज तक महिलाएं इसको ले सकती हैं और 3 doses होते हैं और वो 3 doses में गैप्स भी होते हैं. तो उसमें अगर आप 3 doses लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉपर कवरेज मिलती है. वही लॉजिक है कि बिफोर यू इवन कॉन्ट्रैक्ट द वायरस इफ यू डेवलप द इम्यूनिटी ऑब्वियसली द एफिकेसी इज गोइंग टू बी मतलब जैसे आज किसी को पता चला है ना एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव तो वैक्सीनेशन कराना नहीं चाहिए कराना चाहिए. अगर कराते भी है तो और साथ और क्या, अगर एग्जाम में सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए जाना चाहिए, कितने टाइम में जाना चाहिए? जैसे अगर वो आज भी उन्हें ये नई कोई इन्फॉर्मेशन आज मिली है ये सपोज ये लाइव देख के, so they can definitely go for vaccination still because they are going to still be sexually active for maybe rest of their life, right? So वो ले सकते हैं वैक्सीन. मैंने सिर्फ एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि बेस्ट एफिकेसी विल बी इफ दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव एंड बिफोर दैट दे टेक. बट इट कैन बी टेकन इवन वेन यूर लेट्स से 30-35, यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू हैव किड्स और वट एवर, यू कैन स्टिल टेक इट. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कंसल्ट योर डॉक्टर और योर गायनेक फॉर दैट. अनदर थिंग, आपने स्क्रीनिंग बोला कि कब कितने फ्रीक्वेंटली ये चेक करना चाहिए. तो पहले तो जो हमने सिम्टम्स बताए तो वो सिम्टम्स का आपको ध्यान तो रखना ही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. पैप स्मियर टेस्ट है तो पैप स्मियर टेस्ट आप हर 2-3 साल में करवा सकते हैं. आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 30 जो कॉमन नॉर्म्स है, आफ्टर द एज ऑफ 30 हर 2-3 साल में आपको अपना पैप स्मियर करवाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको कंटिन्यूअस वजाइनल डिस्चार्ज या किसी तरह की ब्लीडिंग का यू नो इंडिकेशन है, आपके सिम्टम्स आप देख रहे हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन. समबडी इज आस्किंग दैट आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन. Essentially, there are no side effects of this vaccine. Like I have taken this vaccine and I have like मैंने 3.5 doses and way back in 2013 I had taken vaccine, no, I think 2014 में मैंने वैक्सीन लिया था एंड कोई मुझे as such side effect, बुखार या ऐसा कुछ नहीं हुआ था.
एंड बट देन अगेन ऑब्वियसली जैसे आपने कोविड के केस में भी देखा है कि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, कुछ लोग कंप्लीटली फिट फाइन होते हैं, कोई फीवर कोई नौशिया का फीलिंग नहीं होता. सो अगेन ऑब्वियसली एवरीबडीज बॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली, बट एज सच देर इज अ नो सीवियर साइड इफेक्ट फाउंड और रिकॉर्डेड फॉर द एचपीवी वैक्सीन सो फार. और कृतिका, अगर बात करें कि ये कैंसर के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, तो अगर किसी को मतलब जैसे फोर्थ स्टेज का कैंसर होता है, इट इज वेरी डेंजरस, तो सर्वाइकल कैंसर कितना डेंजरस है? अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में कितना डेंजरस है, अगर फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है तो आपके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं? सी एनी सर्विकल कैंसर या किसी भी फॉर्म का कैंसर अगर फोर्थ स्टेज पे जा रहा है, विच मीन्स आप बहुत लेट उठे हो, आपने बहुत लेट एक्शन लिया है. सो आई वुड नॉट डिस्करेज और यू नो पैनिक एनीबडी, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव सर्वाइव्ड इवन आफ्टर फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर. तो बट ऑफकोर्स अच्छी ट्रीटमेंट मिलना, अच्छी मेडिकल टीम होना, अच्छे डॉक्टर्स आपके साथ होना, रिसोर्सेज, मॉनिटरी या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये काफी सारी अनसेड चीजें, यू नो अनसेड, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात करूंगी, ये बहुत ही अनसेड चीजें हैं जो मैटर करती हैं. इसीलिए फोर्थ स्टेज के भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं आज के डेट में. देर इज अ सर्जरी, देन देर इज अ रेडियोथेरेपी, देन देर इज कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इज यूजुअली अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. आपको काफी, इवन पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसका फिजिकल और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस तो ऑब्वियसली द पर्सन इज स्ट्रगलिंग, बट मेंटली वो कितने स्ट्रांग है, उनका विल पावर बहुत जरूरी है. और इसीलिए इस स्टेज पे उनकी फैमिली या फ्रेंड्स, जो उनका सर्कल है, उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब वो फिजिकली हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, तो उनको मेंटली आप जितना सपोर्ट कर सके उतना वो इस चीज से बाहर निकल आए. तो काफी सारे सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं आजकल, यू नो बिकॉज वी आर इन अ वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल एज. देर आर लॉट ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स ऑनलाइन जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस ट्रीटमेंट के शेयर करते हैं, तो जिससे लोगों को काफी हिम्मत और एनकरेजमेंट मिलती है कि अच्छा, जब ये इनमें इसमें से बाहर निकल सकते हैं तो मैं भी इसमें से बाहर निकल सकती हूँ, मैं भी इसको फेस कर सकता हूँ. सो यस, देर आर पीपल हु आर सर्वाइविंग डिस्पाइट ऑफ फोर्थ स्टेज, बट आपको या हमें लास्ट स्टेज तक पहुंचे उस लेवल तक जाना ही नहीं है. इसको जैसे ही हमें कोई एबनॉर्मलिटी या कुछ सिम्टम हमें दिखे, तभी उसको आइडेंटिफाई करके वी नीड टू इमीडिएटली गो एंड टेक हेल्प, एंड दैट विल एक्चुअली. Talk about this kind of vaccine, right? Even एग्जैक्टली before I talk to you on phone, I even don't know about राइट. this kind of vaccination. So this kind of program, people need to aware about and need to take action about. राइट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. द लैक ऑफ अवेयरनेस इज आल्सो वन रीजन. और एक दूसरा एक क्या होता है ना, कि हमारी जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में पैप स्मियर एंड मेमोग्राफी इज आल्सो पार्ट ऑफ देयर हेल्थ बेनिफिट्स प्लान. सो उनके केस में काफी सारी स्क्रीनिंग जो है वो रेगुलरली आती है. अब आप ही मुझे बताइए, जो लोग इसे देख रहे होंगे, कितने लोगों ने आज से पहले पैप स्मियर के बारे में सुना भी होगा, विच इज वन ऑफ द स्क्रीनिंग टेक्निक्स. तो हमें, बिकॉज हमें काफी लोगों को पता ही नहीं है, तो वो ये सोचते ही नहीं कि मतलब हर 3 साल में करवाना चाहिए. बट आई वुड से कि लोग 40-45 के होंगे और फिर भी लाइफ में एक भी बार पैप स्मियर करवाए नहीं होगा. सो आई एम सेइंग दैट ऑफ कोर्स योर एंटायर गोल ऑफ डूइंग दिस लाइव सेशन इज सो नोबल दैट पीपल डोंट नो अबाउट इट एट ऑल. तो जब जिसको जानकारी ही नहीं है, वो कहाँ से जाके हेल्प लेगा? ये उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल है, एंड आई शुड इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प. सो डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन एट ऑल लेवल्स. इवन जैसे आंगनवाड़ीज में, आई वुड से कि एक तरह विलेजेस में इंडिया में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, क्योंकि आंगनवाड़ी की सहेलीज या आशा वर्कर्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन कम्युनिटी के दूसरी औरतों के साथ हो जाता है. एंड दे डिस्कस अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इफ दे हैव यू नो एनी एबनॉर्मल सिम्टम्स और एबनॉर्मल पीरियड्स, एंड दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम आवर अर्बन फीमेल्स डू नॉट हैव.
But what urban females have, they have access to internet, they have access to knowledge, education, जो उनको बाकी सारी चीजों में तो आप इंटरनेट यूज कर ही रहे हो, तो इसके लिए भी इंटरनेट यूज करिए. और पर ये है कि इंटरनेट में से हर चीज को एक कहते हैं ना पत्थर की लकीर समझ कर नहीं चलना है. डोंट सेल्फ डायग्नोज योर सेल्फ, डोंट गेट पैनिक कि अरे इन्होंने तो ये सिम्टम बोल दिया मुझे ये है, चलो मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई. सो हमें गूगल डॉक्टर नहीं बनना है अल्टीमेटली वॉट एक्चुअली एवर होते हैं सिम्टम्स. इवन दो टाइप के लोग होते हैं, एक बहुत जो पैनिक कर जाते हैं, एक बहुत कैजुअल हाँ होते हैं कि नहीं यार मुझे तो ऐसा थोड़ी ना होगा, सर्वाइकल कैंसर थोड़ी ना हो सकता है. तो दो टाइप के लोग अ लॉट होते ऑफ हैं. पीपल आर इन डिनायल ऑल्सो, यू नो बहुत लोग डिनायल में होते हैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं भी नहीं सकता. सकता. सी आई फील सो फाइन कि मुझे तो ये है ही नहीं, मुझे कोई सिम्टम. सो सिम्टम्स ये तो पूरा सिम्टम ड्रिवन है, तो दे आर लाइक कि अच्छा अभी आई एम ऑल फाइन, बट दैट डजेंट मीन कि आपको हर 3 4 साल में. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है एंड व्हेन आई शेयर विद माय फ्रेंड, अगर उसको कहीं इसके बारे में आइडिया है तो शी विल टेल मी कि यार नहीं तो एग्जामिनेशन करवा के आना, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. बट अगर राइट पीपल आर नॉट अवेयर तो आपको कहाँ से गाइडेंस मिलेगा करेक्ट वे में? राइट. सो वही है, आप जिस तरह से अपने कपड़े ज्वेलरी अपना घर का काम सब हम डिस्कस करते हैं अपने सर्कल के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी तरह आई थिंक डिस्कसिंग दिस इज इम्पोर्टेंट भी. और ये कब होगा ना पंक्ति, जब हम नॉन जजमेंटल थोड़ा होना शुरू True, करें, totally. व्हेन वी स्टॉप जजिंग पीपल फॉर यू नो देयर सेक्सुअल लाइव्स और अबाउट देयर प्रॉब्लम्स कि हाय तुझे ऐसा हो गया, या आप ये समझो कि अरे मैं इसको ये बताऊंगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या Yes, सोचे. yes, yes. बट इट्स ह्यूमन बॉडी एंड यू नीड टू हैव प्रॉब्लम, यू नीड टू हैव सम सपोर्ट एंड इट्स नॉर्मल. सो जब हम खुद नॉन जजमेंटल होना, दैट इज द बिगनिंग Yeah. रादर देन एक्सपेक्टिंग अदर्स. बट वट वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल इज कि अगर कल को हमें कोई आके ये बातें बता रहा है या शेयर कर रहा है, तो उसको बिना जज किए उसको एक कहते हैं ना एक इंफॉर्मेशन या एक लिंक देना कि सी यू नो व्हाट दिस इज नॉर्मल, दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, Yes. काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है, आप अकेले नहीं हो, तो इसके लिए देर इज लॉट ऑफ सोल्यूशन. सो नाउ लेट्स यू नो गो एंड वर्क ऑन द सोल्यूशन. ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए रादर देन बींग जजमेंटल. तो शायद जैसे आपने कहा कि ज्यादा लोग बात करेंगे तब जाके लोग बात करेंगे इस Totally. बारे में. And you guys are doing so much for this kind of activity, Kritika. O Women या जो app है, जो O Women या आपका page है, I see lots of empowered posts in that because talking about sex, talking about periods, talking about this kind of things. You know, it is लोगों को अभी लगता है कि this is something we should keep secret about this. तो यहाँ अगर किसी को problem होता है तो उसका outcome बाहर नहीं आता है. So, very thanks to you guys that you keep talking about this, you keep motivating Thank you so much. people, and you keep awaring people. थैंक यू सो मच, थैंक यू. वील कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस. ये जैसे हमारा ये एफर्ट होता है कि हम स्टोरीज भी लेकर आए कि जो ऑलरेडी कैंसर सर्वाइवर्स रह चुके हैं या जो ये पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अगर हम उनकी स्टोरीज हमारे ब्लॉग्स पे आर्टिकल्स में और वीडियोस में जब शेयर करते हैं, तो दूसरों को उसमें से हिम्मत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम ये जो चीज है अकेले नहीं है जो इसे फेस करें. सो थैंक यू सो मच पंक्ति फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस इश्यू, टॉक ऑन दिस हेल्थ प्रॉब्लम, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल गेन सम इंफॉर्मेशन और इसको आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली अपने लाइफ में इम्बाइब करेंगे और इसको आगे भी स्प्रेड करेंगे. ट्रू ट्रू. सो थैंक यू इट सो इज मच. लाइक चेन, इट इज लाइक चेन ना. अगर ये लाइव सेशन यस में 10 लोग भी जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, एंड सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन इज अवेलेबल, तो दे कैन यस स्प्रेड टू मैनी. सो दिस इज द राइट मेन मोटिवेशन बिहाइंड दिस लाइव सेशन, दैट वी शुड एम्फसाइज दिस काइंड ऑफ यू नो थिंग्स. राइट राइट. थैंक यू सो मच. यस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू अस. आई थिंक देर आर सम क्वेश्चंस विच आर कमिंग अप. डू यू वॉन्ट टू एड्रेस दैट? We can take that to you know chat session and you can answer that श्योर. questions into आई सीक्रेट. थिंक आई विल आंसर अगर किसी के बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आंसर नहीं हुए हैं अपने कमेंट सेक्शन में, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट लेटर एज वेल. Someone this I think this question we will take. Someone is asking कि if okay they are
talking about breast cancer. We will do that live session on breast cancer also someday, Kritika. So Sure. people may get Sure, sure. Definitely, many definitely. awareness. And if you have any question other than breast can other than cervical cancer, you can join them on ovomania.com, or they have an Instagram page where they talk about all this kind of thing. And they have, you know, you have panel of many doctors and experts. Yes, there. So they are active in this kind of activity since many years. How many years, Kritika? I remember it's in 2014. We have been active since 2014. So yes, and we have more than 600 doctors, dietitians, counselors who are working with us. Okay. So, jinko questions hai, please come on our page and ask us. And meanwhile, yahan pe we will try to answer as many questions as possible on Zero Waste Shutdown. Ye video ke niche log jo bhi post kar rahe, we will try to address. Yes. Now and even maybe later. Yes, definitely. Thank you so much, Kritika. And thank you so much, people, for joining. If you have any question, you can, I will be saving this live question. You can share your questions there. Kritika or Ovomania will take that question and try to answer you guys. And definitely. Thank you so much again, Kritika, for connecting and spreading so much of information. Thank you so much. Bye. It was my pleasure. Yeah. Thanks. Bye. Okay, bye-bye.